बड़े अच्छे लगते हैं। यहां तो शुरू हो गई है नए सिरे से ये कहानी, और आए हैं इसमें नए नए किरदार। और एंट्री हुई है यहाँ पर पीहू यानी पूजा बैनर्जी की, और हम तो पहुंच गए हैं सीधा उनके मेकअप रूम। आज तो वैसे ही कर रहे हैं हम लिपस्टिक्स की बातें, तो चलिए करते हैं उनके साथ ये मेकअप स्टोरी। पीहू का रॉकिंग अंदाज, किरदार नया, लुक नया, पूजा बैनर्जी से पीहू तक। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 के सेट पर, जहां आज हम करने वाले हैं लीप के बाद वाली पीहू यानी कि पूजा बैनर्जी से खास मुलाकात। भाई एक छोटे से ब्रेक के बाद पूजा फिर एक बार शूटिंग पर लौटी है, और अपनी छोटी बच्ची सना को छोड़कर वो सेट पर आती है, शूटिंग करती है। और आज हम देखेंगे कि पीहू के इस रॉकिंग लुक में क्या कुछ खास है। पीहू का हेयर स्टाइल, उसका आई मेकअप, उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी, सब कुछ एकदम अलग है। और आप सबके चहेते कलाकार किरदार में किस तरह से ढलते हैं ये हम जानेंगे, यानी कि आज पूजा बैनर्जी संग होने वाला है मेकओवर वाला डे आउट। तो चलिए सीधा चलते हैं सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 के सेट पर और मिलते हैं पूजा से। बड़ी ही अच्छी गुड मॉर्निंग हो गई हमारी, क्योंकि कहाँ है, कहाँ है दिस इज व्हाट आई कीप पिकअपू और पीहू हमारे साथ में, यानी कि पूजा पूजा पीहू बन गई है आप। एक्चुअली सुबह सुबह जब मैं आती हूँ तो मैं बस, क्योंकि सना छोड़ती नहीं है मुझे, शी लाइक नहीं, शी स्टार्ट्स क्राइंग, देन आई हैव टू डू पिकअपू, देन आई हैव टू कीप प्लेइंग विद हर, एंड देन आई लीव द हाउस। उसको अंदर रूम में छुपा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं घर से निकलती हूँ, फिर मैं आती हूँ और मैं जल्दी जल्दी पीहू बन जाती हूँ। इसलिए आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट नहीं, 20 मिनट्स दीजिए और मैं पीहू बन के आऊँगी। ओके वैसे पूजा ने बताया कि उनके लिए उनकी छोटी बेटी सना को घर पर छोड़कर आना कितना मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभार वो सेट पर भी आती है और अपनी मम्मी पूजा के साथ टाइम बिताती है। मैनेज करना कितना कैसा क्या रह रहा है, मतलब रोज सुबह सुबह पिकअप होता है और कितना मिस करती हूँ फिर उसे शूट पर। तो मैं थोड़ी देर शूट करती हूँ नूपुर, उसके बाद लंच ब्रेक के बाद वो मेरे पास आ जाती है, फिर मेरे साथ खेलती है, फिर मेरे को एक्टर्स के साथ भी खेलती है। और मैंने उसका मेकअप रूम एक्चुअली बना नहीं है, बिकॉज आई हैव जस्ट जॉइन द शो, तो उसके मैं अपने मेकअप रूम के अंदर मैं उसका क्रिब बना रही हूँ, उसका कॉट बना रही हूँ, और वो आएगी तो वहाँ रेस्ट कर सकती है, खेल सकती है, यू नो। तो मैं एक्चुअली उसको बहुत देर तक अपने से दूर नहीं रख रही हूँ, एंड टचवुड हमारे प्रोफेशन में ये पॉसिबल है। तो आई थिंक जब मुझे ये शो ऑफर भी किया गया था मैंने इतना सोचा नहीं था, मुझे लगा था पॉसिबल हो जाएगा, मैं बहुत देर तक उससे दूर नहीं रह रही हूँ, तो आई थिंक इट्स मैनेजेबल। वो बस जब शॉट के लिए बुलाते हैं, वो जब आते हैं, लाइक लिटरली जब एडी आता है, नॉक करता है ना, उसे पता चल जाता है कि मम्मा भी जाने वाली है। वो सो तभी से ऐसे ऐसे देखती रहेगी कहाँ अब जाने वाली है, अब जाने वाली है। तो उसके बाद फिर जो भी आता है रूम में, कोई भी असिस्टेंट आए, उसको उसको थोड़ी देर सना के साथ खेलना पड़ता है, उसके बाद फिर मैं रूम से निकलती हूँ ताकि वो रोए ना। चलिए अभी पूजा का ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं पीहू किस तरह बनती है, कितना टाइम लगता है। सो आई बी बैक बीइंग पीहू। तो भाई बिल्कुल भी टाइम ना गवाते हुए शुरू करते हैं मेकअप और देखते हैं कि पूजा पीहू कैसे बनती है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है बेस लगाने से, और साथ ही साथ पूजा की हेयर स्टाइलिंग भी शुरू हो जाती है। तो जो पीहू का लुक है उसमें वी आर डूइंग ट्रिपल टोंग लुक, यू नो। तो ट्रिपल टोंग में ऐसा होता है कि आप दीदी दिखाना ट्रिपल टोंग हम कैसे करते हैं। हाँ हम इससे करते हैं टू गिव दैट वेवी इफेक्ट, और लेकिन रोज़ बाल तो ट्रिपल टोंग हो जाते हैं, लेकिन जब पैकअप होता है ना उसके बाद वो लुक बहुत अजीब दिखता है। मतलब मैं जब घर जाती हूँ तो उनको लगता है कुछ हुआ है क्या, जो बाल एकदम इतने बिखर से गए हैं। फिर मैं कहती हूँ नहीं, वो एक्चुअली मेरा कैरेक्टर का लुक ऐसा है कि मैं ट्रिपल टोंग करती हूँ। बट एक्चुअली जब बाल बन जाते हैं और फुल मेकअप और आउटफिट के साथ जब पीहू तैयार हो जाती है ना, तो बहुत बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट लगता है। लेकिन जैसे ही पैकअप होता है और जब मेकअप निकल जाता है और मैं अपने नॉर्मल कपड़े में आ जाती हूँ, तब ये बाल ऐसा लगता है कि जैसे बहुत थोड़ा डिफरेंट लगता है। बट पर्सनली मुझे ट्रिपल टोंग लुक बहुत पसंद है, यू कैन सी। रात तक फिर थोड़े से बिखर जाते हैं बाल,
बट जो शाहीन दीदी है हमारी, ज़रा दिखाना शाहीन दीदी, तो शाहीन दीदी है बहुत ही बढ़िया काम करती है। और ये हमारे जैद भाई है, जैद भाई हमारा मेकअप करते हैं, कभी कभी शैफी भाई भी मेकअप करते हैं। आई मेकअप जस्ट द हेयर, नो नो, विथ हेयर एंड द मेकअप एंड देन व्हेन यू नो द आउटफिट्स ऑफ पीहूज कम, आई थिंक इट लुक्स वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी बोल्ड एंड शी लुक्स कॉन्फिडेंट एंड दिस बॉस गर्ल, यू नो, इन द एंटायर अटायर। आई पर्सनली लव बीइंग पीहू, मुझे तो आउटफिट भी बहुत पसंद है। कोशिश तो करती हूँ यार कि हर बार एक नया किरदार जब करूँ, नया कैरेक्टर जब करूँ, तो हर बार एक नया लुक, एक नया एनर्जी लेकर आऊँ सेट पे। और आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ अबाउट बीइंग एन एक्ट्रेस, यू नो, इफ़ ईच शो इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, अगर हर किरदार आपके पुराने किरदार से अलग ना हो, कुछ नया ना हो, तो फिर क्या मज़ा एक्टर बनने का, है कि नहीं? हाँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आई एम धीरे धीरे गेटिंग इन टू द कैरेक्टर, यू नो, वो बोलते हैं ना, वो कैरेक्टर के अंदर पूरी तरह से मिश्री की तरह मिल जाना। सो आई एम स्टिल गेटिंग अंडर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। आई थिंक हर एक एक्टर और एक्ट्रेस को ना थोड़ा समय लगता है वो रोल में, वो जब स्टार्टिंग में आप देखते हैं ना, वो टीदिंग इशू होता है, वी आर स्टिल गेटिंग हैंग ऑफ इट, हमें धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, हम कैसे एकदम से फोर्थ गियर में पे नहीं पहुंच जाते हैं ना, तो धीरे धीरे हम भी जब एक कोई नया रोल रहते हैं तो धीरे धीरे समझते हैं, उसकी बैक स्टोरी समझते हैं, और करते करते और समझते हैं कि अच्छा, इस तरह से भी ये कैरेक्टर परफॉर्म किया जा सकता है। सो फार आई एम लविंग बीइंग पीहू, बट आई वॉन्ट टू गेट सम मोर आउट ऑफ दिस कैरेक्टर। मुझे कुछ और भी नया करके दिखाना है, कुछ और अपने कैरेक्टर के लिए करना है, एंड आई एम ट्राइंग। वो मैं आपको एकदम से बता नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं कुछ चीज़ें भी सोच रही हूँ, कुछ प्लान आउट कर रही हूँ, बट आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्द ये कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट होने वाला है फ्रॉम ऑल माई प्रीवियस शोज। अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ बाल बनने शुरू हुए हैं, बेस अभी हो रहा है, अभी तो स्मोकी आइज होगा, आई शेडो के बाद दिल बी लाइनर्स एंड मस्कारा एंड लिपस्टिक एंड लेंसेज, या सो देर इज गोना बी अ लॉट ऑफ थिंग, बट इट स्टिल डजंट टेक टाइम द वे इट यूज टू इन कसौटी, आई विल से इट्स स्टिल फास्टर। आई टेक एटलीस्ट 25 to 30 minutes टू गेट रेडी इन कंपेरिजन विथ कसौटी। आई थिंक दैट टाइम आई टू टेक ऑलमोस्ट 45 to 50 minutes बिकॉज देर सारी ड्रेपिंग एंड एवरीथिंग। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार कपड़ों में उतना समय नहीं लगता है, इस बार सिर्फ हेयर और मेकअप में टाइम लगता है। भाई, हेयर स्टाइलिंग तो साथ साथ हो रही है, और अब बेस लगाने के बाद शुरू हो चुका है आई मेकअप। पीहू का आई मेकअप काफी खास है, क्योंकि पीहू के लुक में, इनके मेकअप में खास है ये स्मोकी आईज। तो आइए पूजा से जानते हैं इनके आई मेकअप के बारे में। मैं तो नारियल पानी से अपनी दिन की शुरुआत करती हूँ, जनरली लोग थोड़ा गर्म पानी और वो सब से शुरुआत करते हैं, बट बॉम्बे इज अ हॉट सिटी, इट्स अ ह्यूमिड सिटी रादर, तो ना पर्सनली मुझे गर्म ड्रिंक्स या बेवरेजेस सूट नहीं करता है, तो नारियल पानी कीप्स मी हाइड्रेटेड वेल फॉर द शूट। बेस हो चुका है एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द आई मेकअप। और आई मेकअप में वी हैव डिसाइडेड कि पीहू के कैरेक्टर के लिए हम सिर्फ स्मोकी आईज रखेंगे, तो शेफी भाई बहुत ही बढ़िया मेकअप करते हैं, एंड मुझे आई मेकअप बहुत पसंद है ये स्मोकी आईज, एंड आई एम गेसिंग शेफी भाई को भी बहुत पसंद है। और ये धीरे धीरे ना
जब सिर्फ इतना होता है ना तो प्रॉपर आपको लुक समझ में नहीं आता है, लेकिन जब प्रॉपर लैशेज हो जाते हैं, आईब्रोज हो जाती हैं एंड प्रॉपर काउंटर हो जाता है, देन द स्मोकी लुक गेट्स द एनहेंस्ड लुक दैट इट शुड बी गेटिंग. तो वो जो प्रॉपर काउंटर हो जाता है एंड प्रॉपर आई लैशेज और मस्कारा के बाद जो वो लुक दिखता है ना स्मोकी आइज का, दैट इज वॉट विल मेक द लुक लुक वेरी नाइस एंड वेरी वेरी पावरफुल. अभी तो बस हल्का हल्का सा हो रहा है, पर हम लोग आराम से रेडी होते हैं. हम बहुत जल्दी जल्दी रेडी नहीं होते, हम आराम से रेडी होते हैं. हम नाश्ता करते रहते हैं, नारियल पानी पीते पीते हमारा मेकअप चलता रहता है. अभी आप लोग आए हो इसलिए मैं अभी नाश्ता नहीं कर रही हूँ, वरना मैं हमेशा मेकअप के बाद नाश्ता करती हूँ. वैसे मेकअप करते करते ही पूजा अपने टाइम को बखूबी यूटिलाइज करती है और मेकअप कराते हुए ही ब्रेकफास्ट भी कर लेती है. एक अन्ना आते हैं जो साइकिल चला के यू नो इडली सर्व करते हैं सारे सेट्स पे जाके, और इवन नॉन मतलब नॉर्मल पब्लिक को भी इन जनरल. तो मुझे उनके हाथ की इडली बहुत पसंद है, मैं नाश्ते में वही खाती हूँ रोज. अभी मेकअप पूरा हुआ नहीं, आ गई स्क्रिप्ट जिसे पढ़ने में पूजा बिजी हो गई है. सो हियर कम्स फर्स्ट डे फॉर शॉट का स्क्रिप्ट. हियर इट इज. आई विल जस्ट गो थ्रू द स्क्रिप्ट वंस एंड सी कि क्या क्या होने वाला है. मैंने कहा था कि मैं नाश्ता का ब्रेक लूंगी, लेकिन नाश्ते का ब्रेक तो होता ही नहीं है क्योंकि मुझे सुबह मेकअप करते करते दिस इज लाइक द बेस्ट टाइम फॉर मी टू हैव माय ब्रेकफास्ट पीसफुली. एंड इसी टाइम पे मेकअप करते करते मुझे स्क्रिप्ट जो मिलती है मैं एक बार देख लेती हूँ सारी आज के दिन में जितनी मतलब दिन में तो आज के डे में जितनी भी सारी सीन्स होने वाले हैं जो भी होने वाला है वो एक ही बार में मैं देख लेती हूँ और पता चल जाता है कि क्या क्या होने वाला है, कितने सारे सीन्स हैं, क्या क्या होगा आज, कितने सारे डायलॉग्स हैं, कितना ड्रामा है, यू नो वो एक बार हो जाता है. एंड वंस आई गेट रेडी फिर उसके बाद मैं एक्चुअली हार्डली मेकअप रूम में आती हूँ. फिर मैं तब तक नहीं आती जब तक सना नहीं आती है, मैं सेट पे रहती हूँ. और आज का जो लुक है आई एम गोना कीप माय हेयर ओपन बिकॉज आई एम गोना वेयर अ टॉप एंड अ बॉयफ्रेंड जीन्स. तो आज का जो लुक है उसमें मैं एक टॉप और बॉयफ्रेंड जीन्स पहनने वाली हूँ. तो जब मेरा मन करता है मैं एक मैन बन बना लेती हूँ या फिर हाई पोनीटेल कर लेती हूँ, पर आज मेरा मन है कि मैं बाल खोल के रखूँ एंड कीप इट मेसी जस्ट लाइक वी हू. और ये बैंडेड है जो मुझे कंटिन्यूटी का बांधना पड़ेगा, एक्सीडेंट किया था याद है, चोट लगी थी वो है. लिपस्टिक लगा लेती हूँ, लाइनर पहले.
वैसे स्मोकी आईज के साथ पीहू के लुक में एक और खास चीज है, उनकी ज्वेलरी, जिसे पूजा ने जाकर खुद सिलेक्ट किया है। यू नो हैवी ज्वेलरी फॉर पीहूज कैरेक्टर, तो वी हैव गॉट दीस टुडे। लेट्स सी, आज हम ये पहनेंगे या फिर ये। तो मैंने ना एक्चुअली पीहू के कैरेक्टर के लिए बहुत सारी शॉपिंग पर्सनली जाके की है, ऑफ कोर्स अलोंग विद माय स्टाइलिस्ट एकोरिना। तो हम दोनों गए थे और हमने डिसाइड किया कि हम पीहू के कैरेक्टर के लिए ये सारे कपड़े यूज़ करेंगे, यू नो लाइक बॉयफ्रेंड जीन्स, क्रॉप टॉप्स, शॉर्ट्स विद नाइस टी शर्ट्स एंड काफ्तान्स विद बोहो लुक, यू नो विद एक्सेसरीज। तो वो हमारे मन में था कि, और हमारे एक विजुलाइजेशन था कि हम इस तरह से पीहू के कैरेक्टर को रखेंगे। तो मैं पर्सनली बहुत सारे कपड़े शॉर्टलिस्ट करके लेकर आई हूँ। तो आज एक वन ऑफ माय फेवरेट आउटफिट मैं पहनने वाली हूँ। आज पहली बार पहन रही हूँ सीन में, अभी तक आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं है। इट्स अ वेरी क्यूट टॉप। सो लेट्स सी वो टॉप के साथ कौन सी ज्वेलरी जाएगी, ये जाएगी या फिर। तो पीहू का हेयर और मेकअप तो हो चुका है, अब बारी आती है कपड़े पहनने की। और फिलहाल मेरे पास है ये जीन्स, आई एम गोना वेयर दिस एंड लेट्स सी हाउ दिस लुक्स ऑन पीहू। चला फाइनली पूरा हुआ इनका लुक और पूजा बन गई है पीहू। तो चलिए इनके लुक के बारे में तो जानते ही हैं, साथ ही साथ करते हैं मुलाकात पीहू के पापा से। तो फिलहाल मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ, पीहू बन चुकी हूँ और समय आ चुका है कि मैं सेट पे जाऊँ और अपना सीन करूँ। बट डोंट फॉरगेट टू वॉच बड़े अच्छे लगते हैं टू ऑन सोनी टीवी एट 8 PM एंड प्लीज शावर ऑल द लव एंड ऑन ऑल द कैरेक्टर्स एंड द शो। आइए आपका इंतजार है, आइए आपका इंतजार है। देखो मैंने कितनी अच्छे से आपका वेलकम किया है ना। थैंक यू सो मच। ये लोग यही बोल रहे हैं, यू नो कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप इतने रूड क्यों हो दोनों के साथ में, व्हाई डोंट यू यू नो एक्सेप्ट देम। बट द थिंग इज दैट इज लखन एंड दिस इज हितेन। दैट्स दैट दैट्स ही इज अ स्वीट हार्ट, ही इज जस्ट टू क्यूट, वेरी स्वीट। ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद हिम एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। नहीं नहीं, हम एक दूसरे से सीखेंगे, डोंट वरी। इधर हम लोग को क्या है कि हमारे पीछे बंदूक है, बहुत सारा काम करना है, तो वी विल जस्ट कट इट शॉर्ट बट नेक्स्ट टाइम। एंड जब नेक्स्ट टाइम आप मुझसे मिलेंगे तब मेरी बेटी भी सेट पे रहेगी, तो आप देखिएगा कि वो किस तरह से सेट पे रहती है, किस तरह से बाकी एक्टर्स के साथ खेलती है, मेरे साथ खेलती है और टाइम स्पेंड करती है। आज वो थोड़ा लेट आएगी वरना आप लोग से ज़रूर मिलती वो। सो राइट नाउ आई एम साइनिंग आउट, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। तो देखा आपने, कुछ ऐसा है पीहू का लुक। भाई किरदार बदलते हैं और पूजा बैनर्जी का लुक भी बदलता है, और हर बार पूजा बैनर्जी अपने लुक के साथ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जरूर करती है, चाहे फिर वो कसौटी जिंदगी की निवेदिता का लुक हो या फिर हो कुमकुम भाग्य की रिया। हर किरदार के साथ साथ लुक भी बदल जाता है। और उम्मीद है आपको पीहू का ये वाला लुक पसंद आए। आपने देख ही लिया कि कैसे पूजा पीहू के किरदार में ढलती है। हम तो यही कहेंगे कि पीहू आपको यूं ही एंटरटेन करती रहे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो हम जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।